नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का पैनी नज़र अभ्यर्थियों पर रहता है। हालांकि एग्ज़ाम के बाद भी आप देखते होंगे कि प्रत्येक दिन कोई न कोई नोटिस डेली अपलोड किया जाता है अभ्यर्थियों के हित के लिए। इसी को लेकर आज भी एक अहम जो फैसला है, नोटिस है, पब्लिश किया गया है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा। जो भी अभ्यर्थी डीएलएड, बीएड या सीटेड अपेयरिंग में अपना फॉर्म भरे थे बीपीएससी टीआरई में, वे अभ्यर्थी घबरा रहे थे कि अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया है, क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगा। तो साथियों, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था कि निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आयोग जो फॉर्म भरवाई है वह कुछ न कुछ सोचकर भरवाई है और इसी को लेकर आज क्लियरिफाई अतुल प्रसाद के द्वारा घोषणा भी कर दिया गया है अप्रूव के साथ। आज देखिए, इसके साथ ही आयोग के माध्यम से एक और अहम नोटिस है, ट्वीट है, जो पब्लिश किया गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। जो भी अभ्यर्थी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में फॉर्म फिलअप किए हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, सर्टिफिकेट वैलिडिटी को लेकर थोड़े से कन्फ्यूज़न है। चलिए इसको हम देखते हैं क्या कुछ ट्वीट किए हैं अतुल प्रसाद, है ना। देख सकते हैं कि आपके सामने एक अहम ट्वीट है जो कि अतुल प्रसाद के द्वारा किया गया, बीपीएससी के चेयरमैन हैं। देखिए, यह बीएड के साथ साथ जो डीएलएड किए हैं और सीटेड अपेयरिंग में अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं उसके लिए अपेयरिंग सीटेड बीएड ईटीसी कैंडिडेट, यहां पर डीएलएड नहीं लिखा गया है, आप घबराइएगा नहीं, ईटीसी लिखा गया है, मतलब डीएलएड भी इसमें, बीटीसी भी आ गया। कैंडिडेट इन टीआरई विल बी प्रोवाइड एडक्वेट टाइम एज मच एज पॉसिबल टू फर्निश रिजल्ट ऑफ देयर एग्जाम टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी। साथियों, आप समझ गए होंगे, जो भी अभ्यर्थी अपेयरिंग में सीटेड बीएड और डीएलएड में टीआरई का फॉर्म फिलअप किए थे और उनका मार्क्स भी अच्छा आ रहा है, वे चाहते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, ऐसे में उसकी जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगी, है ना, उसके पास अभी नहीं आया होगा। वैसे में रिजल्ट भी अभी पब्लिश नहीं किया गया है सीटेड के द्वारा भी, और बीएड के साथ साथ डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में आज आयोग के माध्यम से बताया गया कि जितना संभवतः समय हो सके, आपका रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम आपकी एलिजिबिलिटी जो प्रूफ करने का सर्टिफिकेट होगा उसके लिए हम समय देंगे, है ना, इसके लिए अभ्यर्थी घबराएं नहीं। चलिए नेक्स्ट हम ट्वीट देख लेते हैं, यह भी ट्वीट सेम टाइम पर किया गया है। इसमें लिखा गया है, आई बिलीव टी आर ई कैंडिडेट हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन सर्टिफिकेट वैलिडिटी प्री रिक्वेस्टिज ईटीसी, दे शुड फर्स्ट गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट नोटिस केयरफुली एंड इफ स्टिल नॉट क्लियर दे शुड कंटेक्ट द एजुकेशन या बीपीएससी ऑफिस फॉर क्लियरिफिकेशन। साथियों, जिसका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला फंसा है, उसके साथ कोई क्यूरीज है सर्टिफिकेट वैलिडिटी को लेकर, उसके बाद सर्टिफिकेट के साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर, आप पहले तो एडवर्टाइजमेंट नोटिस पढ़िए क्या कुछ उसमें लिखा गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप बीपीएससी का जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, आपका सारा का सारा जो समस्या है वह सुना जाएगा। ऐसे में तमाम अपडेट हम आपके साथ साझा करते हैं, इसी कारण आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं आपको बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य कोई वैकेंसी आती है तो मैं आपको पहले ही अपडेट करता हूं, इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस भी आता है तो मैं अपडेट करता हूं, इसी कारण आप हमारे साथ जुड़े रहें, मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू, वीडियो में अभी तक बने तो।